नहीं दिया, अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसके पार्ट नंबर 5 और 6, इसके बाद जो करेंगे वो पार्ट नंबर होगा थर्ड, ठीक है, वो सबसे बीच में टफ वाला है, उसको सेपरेट करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि पहले आपको इजी इजी एक्सप्लेन करते, पहले इसका एक्सप्लेन हो गया, अब इसका दूसरा और फिफ्थ और सिक्स करते हैं, ठीक है, और फिर उसको जो एक टफ वाला इसके अंदर क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन दोनों लिख दिए, अब देखते हैं इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप देखो गौर से, ये 25x² है, ठीक है, ये क्या है, -10x है और ये 1 है और ये 36z², ये पूरा स्क्वायर बनता है और माइनस भी है, तो इसको हम साइड पर रख लेते हैं और इन तीनों को कॉम्बिनेशन को शेप अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या बनेगा ये बनेगा 5x² समझ आएगी बात की, ये क्या बनेगा 5x² डन। ये क्या बनेगा जी, -2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है, और ये क्या बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये देखो डन, ठीक है। अब ये क्या बनेगा जी, माइनस ये बनेगा 6z² तो मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन वो वाले लिए जिसके ऊपर फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा जी 5x² फर्स्ट टर्म क्या बनी 5x, ये -2 कहाँ से आया, फॉर्मूले से जो हम इधर पिछले सालों में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये पहले और दूसरे फॉर्मूले में, और बना कौन सा रहे, पहुंच कहाँ पे रहे, तीसरे पे, ठीक है। तो चलो जी अब क्या रहेगा जी, आपके पास ये आ गया सेकेंड टर्म, आपके पास क्या है इधर 1 का स्क्वायर है, तो 1 ना देगी, मल्टीप्लाई करके देखो वापस आता कि नहीं आता, ये क्या आएगा जी -10x आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये बन जाएगी फर्स्ट टर्म, ये वाला साइन लेते होते हैं, ये 1 लेते हैं और इसका होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन देते हैं 6z² समझे बात की, ये देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया, तब आप इसको अप्लाई कर दो, वो क्या आएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये बड़ी आसानी के साथ हो गया, ठीक है। इससे पहले इसलिए ये किया ये वाले वो जो टफ वाले उसके एंड पे करेंगे, ताकि आपकी इसके साथ इस सवालों के इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, ठीक है, फिर वो जो टफ वाला वो भी करते हैं, इसको आप करके ये वाला करते हैं। इसको कर देते हैं जी रब, और उसको करने के बाद वो जो टफ वाला क्वेश्चन उसको एंड पे करेंगे, ताकि आपके साथ तब तक अच्छी खासी आपकी जो फॉर्मेशन है जो हो जाएगी, आपको समझ लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलो जब मैंने इसको कपड़े से रब किया, अब ये वाला पार्ट करने लगे क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 10, ये क्या है जी, ये x² - y² -4xz सॉरी +4z², फिर देखो जी क्या लिखा हुआ है, x² - y² -4xz +z². अब इसमें आप गौर से देखते हो ना, ठीक है, तो कौन सा मिलाएं तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, इन दोनों करेंगे तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा आगे जाके फर्दर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं, उसमें वाई वाले आएंगे तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डबल प्रोडक्ट किसका दिया हुआ है, एक्स और जेड का, तो हम एक्स और जेड वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, जिसका डबल प्रोडक्ट दिया ना उनको कंबाइन करो, तो हमने x² - 4xz +4z² को कंबाइन कर दिया, वैसे भी ये टर्म माइनस के साथ है और स्क्वायर में, तो हम थर्ड फॉर्मूले के साथ आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है जी आपके पास एक्स का, इक्वालिटी लगा लिया करो यार मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, माइनस क्या आता है जी 2, फर्स्ट टर्म पता नहीं, सेकेंड टर्म अभी पता नहीं, ये किसका स्क्वायर बनता है जी, ये बनेगा जी आपके पास 2z² ठीक है, माइनस क्या है y² ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा जी फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर, वो मैंने ये लगाना भूल गया। चलो ये देखो ये क्या आता है, ये होता है ये वाले टर्म, ठीक है, और ये क्या आता है ये वाले टर्म, अब चेक करो वाकई ही बनता है कि नहीं बनता, देखो माइनस प्लस माइनस 2 2 4xz बन गया डन, ये क्या आ गया जी x² बन गया, ये क्या हो गया जी इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ए माइनस बी का स्क्वायर a² - 2ab + b², अब नीचे ये वाली शेप बन रही है, तो आगे फर्दर चलेंगे तो माइनस ये वाला इधर लगा देंगे y²
अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये आंसर आ गया। चाहे तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, चाहे तो इतना भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रीअरेंज भी करना है तो एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड लिख सकते हो, ठीक है, और एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है, यहीं तक भी ठीक है। ठीक है, अब इसका टफ वाला करने लगे, ठीक है, तो आपके ज़रा अटेंशन चाहिए ताकि हम इसको कर सकें। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, और उसको लिख देता हूँ, वो ज़रा खुला डोला सवाल होगा। वो जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने पहले लिखा था, जब ये नई वीडियो बनाने लगे फिर मुझे समझ लगी ये तो बड़ा टफ है, तो पहले बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देते ताकि जो क्वेश्चन है ना वो उनको वो वाला सवाल समझने के लिए तैयार कर ले, ठीक है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में टफ है, कॉम्बिनेशन उसके ज़बरदस्त है, इसलिए ज़रा अच्छी तरह से समझ लो। लेंज वो वाला सवाल लिखते हैं, एक दफ़ा मैं पीछे भी देखा हूँ ज़रा कितने की वीडियो बनी। नहीं जी, ये चैप्टर नंबर 5 का सबसे मज़ेदार 5.1 का सवाल है, इसको करते हैं हम, ठीक है, बाकी आसानी के साथ हो जाएंगे आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादातर इसमें इसमें टोटल 6 दिए हुए शायद, ठीक है, तो मैंने आपको 4 तो एक्सप्लेन कर दी बड़े आराम से, अब बीच में 2 रह गए, वो भी इसी तरीके से आप अप्लाई कर दें। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका पार्ट नंबर है जी 4, ठीक है, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस का 3। फिर देख लो जी क्या लिखा हुआ जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, और इसको लिख दो बी ए क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको करते हैं, 5.1 आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें देखो, अगर हम इन दोनों को लें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं होएगा, तो ये तो काम खत्म हो गया, ठीक है, ये कि हमें वही करना पड़ेगा जिस पे हम कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन चेंज कर करके उस जगह पहुंचे जहाँ पे ये वाली थर्ड वाली शेप आ जाए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मिला लेते हैं जी इसको, पहले तो ये देखो लिखा हुआ एक्स स्क्वेयर, डबल प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, माइनस 4x, तो बिल्कुल ठीक है डबल प्रोडक्ट, क्योंकि फॉर्मूला हमने बनाना है। अब इसके साथ थर्ड टर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके साथ थर्ड टर्म होनी चाहिए, वो इधर से हमें आसानी के साथ कोई ऐसी टर्म मिल नहीं रही, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको फोर्स ही करें तो इधर 2 होना चाहिए नज़दीक नज़दीक, ताकि 2 और 2 उधर 4 हो जाए, वो तो कहीं लिखा नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी आपको बताते हैं, फिक्र नहीं करें, ठीक है। अभी हमने इसको इसके साथ लिख दिया प्लस, ये लिख के लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ माइनस वाई स्क्वायर, इसके साथ जो डबल प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, डन। ये देखो मैंने क्या किया, इसको लिखा इसके साथ, क्योंकि डबल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इक्वालिटी लगा ली के साथ, इसको मैंने लिखा इसके साथ, क्योंकि ये उसका डबल प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये बेचारा प्लस 3 अकेला लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको इस्तेमाल करना है कि किसी न किसी तरीके से ये इधर काम कर जाए, ठीक है। इसको हम देखते हैं, फोर्स ही करते हैं, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, तो इसका मतलब इसको 1 चाहिए और इसको 2 चाहिए, तो ये 1 और 2 है वो हम इधर से प्रोड्यूस कर लेते हैं, कैसे देखो आप कैसे करेंगे। चलो ये क्या रहेगा जी, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 4x माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y। अब ये जो लिखा होता ना 3 प्लस का, क्या लिखा होता, प्लस का 3, मैंने इसमें प्लस 1 कर दिया क्योंकि मुझे इधर सॉरी मुझे इधर 4 चाहिए, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया इस टर्म में, खुद से तो ऐड कर नहीं सकते सवाल में, तो माइनस भी कर दिया ताकि ये कर दिया तो सवाल पे फ़र्क ना पड़े, समझे बात की, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर खुद से प्लस किया है 1 और खुद से माइनस किया है ताकि क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में फ़र्क ना पड़े। लेकिन अब मैंने क्योंकि इधर मेरे फोर्स ही हो रहा है, देख सकता हूँ मैं कि क्या करूँ, इसको 4 चाहिए और इसको 1 चाहिए और इसे शेप अप हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं जी, तो ये क्या रहेगा जी आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस का 4 माइनस का 1, ऐसे बनेगा ना, अब इन दोनों का कर लोगे तो 4 आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा।
अब मैंने ये वाला इसके साथ मिला देना है, ठीक है, और ये वाला मैंने इनके साथ मिला देना है, तो देखते हैं कि बनता कि नहीं बनता, ट्राई है, ठीक है, चलो देखते हैं जी क्या बनेगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस का 4, तो मैंने ये वाला 4 इन दोनों के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, और आगे क्या जी, माइनस वाई स्क्वेयर है, माइनस 2y है, और ये जो माइनस वन है ये मैंने इनके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको शेप अप किया, ये किसका स्क्वायर है जी, फर्स्ट का, हमेशा ये माइनस का साइन है, माइनस 2, फर्स्ट टर्म क्या है जो इसके नीचे होगी, सेकेंड टर्म क्या है जो इसके नीचे होगी, वो देख लेते हैं जी, प्लस ये किसका स्क्वायर है जी, 2 का। तो मैंने फिर बाद में क्या किया, इसको इसके साथ मिला दिया, समझे बात की, तो ये क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है जो इसके नीचे लिखी है वो है एक्स, सेकेंड टर्म क्या है जो इसके नीचे लिखी है, 2 2 4। तो अगर मैं गौर से देखूँ तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया है, और इसको मैं एक सेट में कर देता हूँ, डन होगी बात। इसमें से मैं देखता हूँ गौर से तो मुझे माइनस पहले तो कॉमन नज़र आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो, जब कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिवाई का स्क्वेयर, डन। ये माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस, ठीक है, 2y, ये क्या बन जाएगा जी, प्लस 1। मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो वाई स्क्वेयर आ गया, प्लस का आ गया, ये भी प्लस का आ गया। अब ये बन गई शेप किसकी, ये बनी है एक्स, ये साइन लेते हैं और ये टर्म लेते हैं और होल स्केयर लगाते हैं, ठीक है। ये देखो ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये 2a 2 2 4x कहाँ गया, जहाँ ये 2ab गया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूले वाला। बच्चे पूछते रहते हैं कि ये कैसे हो गया। अब ये देखो इसको शेप दे दो कैसे, माइनस ये किसका स्क्वायर है, वाई का, ये क्या जी, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप शेप दोगे तो वाई, ओ सॉरी पहले इसको फीड कर दें वैल्यूज, तो ये क्या आएगा आपके पास 2, और फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर के नीचे लिखी है वाई, सेकेंड टर्म जो इसके नीचे लिखी है, तो क्या ये वापस बन रहा है, बन रहा है, डन। तो इसका मतलब ये बन गया वाई, ये प्लस का साइन पिक हुआ और स्क्वायर। अब आपके पास ये बन गया ना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लगा लो जी वैल्यूज, ठीक है। क्या करेंगे हम, ये लिख देंगे एक्स माइनस 2 ए प्लस बी, एक दफा क्या आएगा ए प्लस बी, और एक दफा क्या आएगा जी ए माइनस बी, डन। अब आप इसको फर्दर कर लोगे, जब फर्दर करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा जी एक्स माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1, ब्रैकेट खोल दी, ब्रैकेट्स क्यों लगाई है, क्योंकि इसके अंदर साइन चेंज होने, इसको करते तो क्या देते, एक्स माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1, डन। ये देखो एक्स माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1, चाहो तो फर्दर सॉल्व कर लो, चाहो तो ना भी करो, इस तरह से भी लिख दो, फर्दर सॉल्व करते तो ये क्या बन जाता है जी, एक्स प्लस वाई, इन दोनों करते तो क्या आ जाता है, माइनस 1, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हो एक्स माइनस वाई, ठीक है, और ये माइनस 3। तो देखो क्वेश्चन क्या था और क्या बन गया वो, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा इसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी के साथ समझ लगे। क्या किया हमने, ये टर्म थी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4x वाई माइनस 2y प्लस 3 था, वेरी डिफिकल्ट है, ठीक है, ये समझ लो कि 5.1 का सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे मुश्किल भी है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो ऊपर सिर्फ यही लिखा ना फैक्टराइज, तो आपके पहले यही रूल्स आपने चेक करने हैं कि क्या करेंगे, कॉमन लो, रीअरेंज करो, अप्लाई करो फॉर्मूला, इस तरह से चलते जाओ। लेकिन जब इस तरह से चलोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, हमने एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के साथ फॉर्मूला अप्लाई किया, देखा कुछ कॉमन काम नहीं बन रहा तो उसको छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब हम वही सोच में गए जिसमें हम इसमें जाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने डबल प्रोडक्ट ढूंढा, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर, ये डबल प्रोडक्ट 4xy के साथ नज़दीक लिख दिया ताकि डबल प्रोडक्ट में आसानी हो। फिर मैंने वाई स्क्वेयर वाली टर्म लिखी और इसके साथ इसका डबल प्रोडक्ट साथ लिख दिया, प्लस 3 को मैंने सेपरेट कर दिया। अब 4c करने से या बार बार प्रैक्टिस करने से आपको पता चलता है कि इसमें हमें अगर 4 हो, ठीक है, तो ये x प्लस 2 का
होल स्क्वायर बन सके, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब हमें इस टर्म के साथ फोर और चाहिए, ठीक है, और अगर इसको फोर सी करते हैं, ठीक है, ये टू आई है तो हमें वन और चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो थ्री लिखा होता है इसको फोर बनाने के लिए मैंने इसमें प्लस वन कर दिया, ताकि इसका काम तो बने। अब मुझे अलाउड नहीं है कि मैं खुद से प्लस कर सकूँ, तो मैंने इसमें से माइनस भी कर दिया, ठीक है। जब माइनस किया तो ये फोर बन गया और ये माइनस वन बन गया। तो मैंने खुद से प्लस वन किया, खुद से माइनस वन किया, बाकी सारी रीअरेंजमेंट किया यहाँ तक। फिर मैंने क्या कि ये जो फोर है ना, मैं इसको उठा के इसके साथ लिख दिया, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस फोर एक्स आ गया, प्लस फोर इसके साथ कंबाइन कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस टू वाई आ गया और माइनस वन लग गया, ठीक है। अब मुझे समझ लगी भाई, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये माइनस है, माइनस टू फॉर्मूला वाला, फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर के नीचे है वो एक्स है, ठीक है, सेकेंड टर्म जो स्क्वायर के नीचे है वो टू है, तो ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बन गया। इसमें से मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, ये भी मुझे फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको शेप दे दी, ये आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है जो इसके नीचे है वाई, सेकेंड टर्म क्या है जो स्क्वायर के नीचे है वन, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, वन ही बनता है। तो ये मुझे समझ लगी, ये वाई प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया। अब मुझे इधर से ये वाला फॉर्मूला मिल गया, इसके माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब सेकेंड टर्म। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म एक्स माइनस टू प्लस सेकेंड टर्म, और फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिख दी। तो इसको खोल देते हैं, ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, प्लस है तो एक्स कैसे आ जाएगा, ये माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। फिर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये को एक्स प्लस वाई, इन दोनों को करेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का वन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ गया, इन दोनों करोगे दोनों हम माइनस के हैं तो माइनस का थ्री आ जाएगा। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।